रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पायल फोटोर मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी समकक्ष हसन रूहानी से कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने सीरिया पर फिर से हवाई हमले किए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता पैदा हो जाएगी। अमेरिका के नेतृत्व में सीरिया के रासायनिक हथियारों वाले स्थानों पर हवाई हमले होने के एक दिन बाद पुतिन और रूहानी ने फोन पर बात की। यह भी पढ़ें, सीरिया में रासायनिक हथियारों की जांच के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अन्य शुरू की नई मुहिम। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक पुतिन ने कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए इस तरह की कार्रवाई फिर की गई तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता पैदा हो जाएगी। बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने कहा कि गैर कानूनी कार्रवाई से सीरिया में राजनीतिक समाधान की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। वीडियो, तुर्की और रूस के बीच सीरिया में सीजफायर पर बनी सहमति। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने बीते शनिवार को सीरिया के दुमा में रासायनिक हथियारों वाले स्थानों पर हवाई हमले किए थे। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।